इंदौर आजाद नगर निवासी युवती का 2015 को महाराष्ट्र निवासी आनंद से शादी हुई थी, जिसके बाद पति विदेश न्यूजीलैंड चला गया और कुछ समय बाद जल्दी वापस आकर पीड़िता पत्नी को साथ विदेश ले जाने का बोला, किंतु काम की व्यवस्था को बताकर पति द्वारा लगातार पीड़िता को विदेश ले जाने में टालमटोल करता रहा। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि उसके पति का चाइना के एक लड़की से अवैध संबंध है, जिसके कारण उसका पति उसे विदेश ले जाने में टालता रहा। पीड़िता द्वारा पति से उक्त बात पूछी तो पति ने चाइना की लड़की से संबंध होने की बात को स्वीकार किया, जिसके बाद पीड़िता फ्लाइट से और क्राइस्ट चर्च एयरपोर्ट न्यूजीलैंड पहुंची, जहां पर पति ने पीड़िता को 2-3 घंटे इंतजार करवाकर बमुश्किल घर ले आया और पति ने पीड़िता को प्रताड़ित कर शराब पीकर आए दिन मारपीट करना। पति सुबह घर से निकलने के बाद पीड़िता को खाने की कोई व्यवस्था नहीं करता और कुछ समय बाद पति पूर्व नियोजित तरीके से पीड़िता को अपने परिचित के यहाँ पर एक छोटे से अन्य शहर ओमरू में छोड़ते हुए पीड़िता को साथ नहीं रखने और हिंदुस्तान वापस चले जाने का बोल गया, जिस पर पीड़िता जैसे तैसे अपने पिता के माध्यम से हिंदुस्तान वापस आई तो ससुराल जलों ने पीड़िता से 15-20 लाख रुपए की मांग पूर्ति करने की दशा में पीड़िता को साथ रखने का बोला, अन्यथा पीड़िता को मायके वालों के साथ रहने पर मजबूर किया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने अधिवक्त गण कृष्ण कुमार कुन्हारे प्रीति मेहना के माध्यम से फैमिली कोर्ट इंदौर में तलाक का केस में प्रमाण दर्ज करवाया और अपना पक्ष रखा, जिस पर फैमिली कोर्ट इंदौर के प्रधान न्यायाधीश श्रीमान आरपी शर्मा जी ने पीड़िता पत्नी के आरोपों को सही मानते हुए पति द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रूरता का व्यवहार करने, पीड़िता को 2 वर्षों से अधिक समय से छोड़े रखने के आरोप को प्रमाणित मानते हुए पीड़िता पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर पत्नी के हित में और पति के विरुद्ध तलाक का फैसला सुनाया। तलाक दिया है। ये युवती है इंदौर निवासी, इसका 2015 जनवरी के अंतर्गत एक युवक से महाराष्ट्र का नाम प्रवीण नाम आनंद से विवाह हुआ था। शादी के बाद आनंद अपने व्यवसाय का हवाला देते हुए नीदरलैंड वापस लौट गया और बोला कि कुछ दिन बाद पत्नी को वापस आकर मैं साथ में ले जाऊंगा, लेकिन कई दिनों का टालमटोल करने में पत्नी को शक हुआ पीड़िता को। तो पीड़िता ने जब पति संपर्क करा तो पीड़िता को ये जानकारी पता चली कि जो नीदरलैंड में उसका पति जो रहता है, नीदरलैंड में रहने के दौरान उसका चाइना की एक अन्य लड़की से उसका अवैध संबंध और कई सालों से उसके साथ में ही रह रहा, इस कारण से पत्नी को टालमटोल कर रहा था। जिस सभी जानकारी लगते से ही पत्नी के पैरों को नीचे जमीन सर गई और पत्नी जैसे से अपनी व्यवस्था कर क्राइस्ट चर्च नीदरलैंड एयरपोर्ट पर गई। एयरपोर्ट पर 2-3 घंटे इंतजार उसने पति ने कराया और जिस तरह से उसको बहुत मुश्किल अपने घर ले गया, घर पर ले जाते से चूंकि उसने एयरपोर्ट पर तो कुछ नहीं बोला पत्नी पर।